साहस सरोकार। पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही देख दुखी हुए पीएम मोदी, पीड़ित लोगों के लिए जताई संवेदना। योजना आयोग के पूर्व सदस्य अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हासिल की थी महारत। अंकिता मर्डर केस में गरमाई सियासत, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत से इंसान बेहाल, बेंगलुरु में आज स्कूल बंद। एनआईओ को मिली बड़ी कामयाबी, नारकोटिक्स टेररिज्म मॉड्यूल का प्रमुख ऑपरेटर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग के सरकारी आवास पर ईपीसी व्यवस्था में परिवर्तन, सुधार एवं सरलीकरण की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ईपीसी मोड में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रमुख सचिव नियोजन की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित करने के निर्देश दिए। कुशीनगर के तहसील क्षेत्र हाटा में मेजर ध्यानचंद जन्मोत्सव और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पीआरके बॉक्सिंग क्लब में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नरेंद्र राम जी और विशिष्ट अतिथि अधिशासी अधिकारी अजय कुमार सिंह रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्हैया लाल जायसवाल ने की। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लखनऊ में पूर्वी जोन पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पीजीआई इलाके में एक युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। घटना से ठीक 2 दिन पहले पीड़ित युवक की बाइक में आग लगाई गई थी। युवक की मोटरसाइकिल में आग लगाने का सीसीटीवी फोटो सामने आया है। मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। लखीमपुर खीरी में एक ही घर में 3 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित का फंदे से झूलता हुआ शव मिला है। रात को घर के कमरे में उनकी पत्नी और 10 साल के बच्चे की लाश मिली। वहीं महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। ये मामला लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र का है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के दौरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें घर के बाहर झूला झूल रही बच्ची का कान पड़ोसी के पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने काट लिया। वहीं अब बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बच्ची के कान की सर्जरी की जाएगी। बता दें गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें घर के बाहर झूला झूल रही बच्ची का कान पड़ोसी के पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने काट लिया। अब बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बच्ची के कान की सर्जरी की जाएगी। ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले लखनऊ से आया था, जहां पिटबुल के द्वारा एक महिला की हत्या कर दी गई थी। वहीं ये दूसरा मामला है जहां पिटबुल से पड़ोसी के पिटबुल ने बच्ची के कान को काट लिया। वहीं बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बच्ची के कान की सर्जरी की जाएगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ेंगे। प्रवीण, पिटबुल नस्ल के कुत्ते के काटने का मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी का पूरा मामला है, जहां पर एक बच्ची टहल रही थी। टहलते समय उस बच्ची को एक पिटबुल, जो वहां के आड़ो पड़ोस का ही रहने वाला व्यक्ति है जिसने पिटबुल को पाल रखा था, वो पिटबुल वहां पर घूम रहा था। अचानक बच्ची जब खेलते खेलते उसके पास पहुंचती है तो वो पिटबुल जो है उसके कान में काट देता है, भारी जख्म हो जाता है उस बच्ची के। हालांकि मौके पर तुरंत वहां पर जो निवासी थे उन्होंने पिटबुल को भगाया और लड़की को, जो बच्ची है, उसको तत्काल वहां पर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि जो परिवारजन है उन्होंने तहरीर दी है उस पिटबुल के मालिक के खिलाफ और उस पिटबुल के खिलाफ, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार देखने को मिलते रहते हैं गाजियाबाद समेत अन्य राज्यों से भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो डॉग्स हैं, जिस तरह से जो डॉग्स पालन करते हैं, वो लोग अपने अपने जो जानवर हैं उनको बाहर छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हालांकि बच्चा छोटा था, उसको ये नहीं पता था कि ये कुत्ता काट लेगा उसको, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। कहीं ना कहीं इस तरह से जो लोग जो कुत्ते का पालन करते हैं या जो अन्य जानवरों का पालन करते हैं, हालांकि उनको इन चीजों पर खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर घूम रहा है, हालांकि बड़ा हादसा तो नहीं हुआ लेकिन बच्चे का उपचार चल रहा है अस्पताल के अंदर, उसके कान में गंभीर चोट आई है। क्योंकि पिटबुल एक ऐसा जानवर है, पहले भी आपने देखा होगा, जिसमें एक बॉडी बिल्डर था, उसकी माता जी थी, उसके ही पिटबुल ने उसकी माता जी को मार दिया था, खा गया था। तो ऐसे मामले लगातार देखने को सामने मिलते हैं। जी धन्यवाद प्रवीण खबर पर जुड़ने के लिए। संबल के सक्सेना ब्लड बैंक में दबंगों ने ब्लड बैंक के स्टाफ से जमकर मारपीट की। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद वारदात को अंजाम देकर दबंग फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 11 बजे का टाइम था, ये लोग आए, पहले एक लोग आए कि बोले हमें ब्लड चाहिए, तो मैंने कहा आप डॉक्टर साहब का पर्चा संबल ले आइए, ब्लड हम देखें किस चीज़, कौन सा ब्लड चाहिए आपको, क्या चाहिए। तो ठीक है, बोले बिना पर्चा संबल ब्लड चाहिए हमें। तो मैंने ऐसे ब्लड नहीं मिलता है, तो बोले तो हमें जानता नहीं है हम कौन है। मैंने आप कौन है भाई साहब, कोई भी आप, पहले पर्चा संबल लाए, इस बार ब्लड दूंगा आपको मैं। बोले तो उससे कुछ नहीं होगा, हमारा कोई ब्लड देगा हमें, अभी जानता हम बीजेपी के लोग हैं। तो बोले मैंने कहा हम थोड़ी नहीं कह रहा कौन से लोग हो आप, तो मैंने कहा ब्लड मिल जाएगा डॉक्टर पर्चा संबल, बोले ब्लड निकाल लें हमारा, ग्रुप कर ले, तो मैंने ग्रुप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद वो आए, खाओ सुनियो चले गए, 8-10 लोग आए, उस पर मार तोड़ फोड़ करी, फिर मारा। गाजियाबाद के मोदी नगर में चोर बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कि चोरों ने एक ही रात में 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते पुलिस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। क्या हुआ अंशु? रात चोरी हुई थी। किस टाइम? रात में। रात में करीब 2:30 के आसपास। अच्छा, आपको पता कब लगा? हमें सुबह पता लगा। अच्छा, लगभग कितना सामान चोरी हुआ? हुआ सामान लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास का। क्या क्या था उसमें? नोटिस तो ला ली गई, जो वन शादी के लिए बनवा रखी थी। अच्छा, एक मिनट, बहू के कहने। अच्छा, 2.25 लाख रुपए कैश था। अच्छा, कैश भी था? 2.25 लाख। तो क्या शादी थी? शादी के लिए तैयारी कर रही है। अच्छा, किसकी? उनकी बहन की। क्या नाम है बहन का? पूनम। माता पिता हमारे नहीं है, पापा को 15 साल होगी, मम्मी को 8 साल होगी, 7 साल होगी। कितने भाई हो आपको? 3 भाई हैं, 1 बहन है। बात हो रही है, ठीक है, और कोई छोटी मोटी चोरी की बात नहीं है, ये यूँ मान लो एक तरह से डकैती पड़ी है, बिल्कुल घरों में बढ़ के इस तरह से आदमी तो कल को ये कुछ भी कर देंगे, तो इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। बाकी पुलिस वाले आ रहे हैं, कोई वो नहीं दे रहा आश्वासन किसी भी प्रकार का, तो कार्यवाही होनी चाहिए आगे तक। अगर जो पुलिस है यहाँ पर राउंड अप लेती है यहाँ पे रात में? एक बार ही राउंड लिया, रात वात का तो कोई राउंड नहीं देखा हमने। सुबह आई थी, बस सुबह बस आई थी, और जो लिखना था उन्हें लिख के ले गया, बाकी उसके बाद कुछ नहीं। ये परसों यहाँ वारदात हुई थी, अभी बाइक वगैरह भी लूटी है, सारे यहाँ बाइक लूट के गए हैं, पैसे भी लूटे हैं उस लड़के के, हमारे गांव का ही था वो। यहाँ तो जी ये जैसे उधर से आए हैं, यहाँ ये चलता रही बार पैसा उतारी है, वो यहाँ जोड़ दिया है, 2 स्टॉल जोड़े हैं, इस कमरे में घुसे हैं, ऊपर चढ़ गए, चोरी हुआ नहीं हुआ? गए पर 2 तोले ले गए जी बस। हाँ जी, बाकी कोई कीमती सामान क्या? कीमती कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। हाँ जी, 2 तोले गए हैं, इस बेड पर चादर उतारी है, ठीक, वो बांध का नीचे उतरे। आपको कब पता लगी? सुबह जी।
संभल में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या कर दी और अपने हाथ की नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी घटना हयात नगर थाना इलाके की है। थाना हयात नगर पर कल देर रात एक व्यक्ति रामरक्ष जाटव द्वारा आकर यह सूचना दी गई कि 3 दिन पहले वह एक विवाहित महिला को अपने साथ भगा ले गया था। विवाहित महिला भी SC समुदाय से ही संबंध रखती है। इन दोनों के द्वारा ये बहजोई इस्लाम नगर रोड पर एक खेत के पास में आत्महत्या का प्रयास किया गया, जिसमें जो महिला थी उसकी मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति की इसने भी अपने हाथ की नस काटी थी लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई और ये भयवश एक हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गया। 3 दिन बाद इसने स्वयं आकर थाने पर यह सूचना दी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।